अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए जारी है भारत का मेगा अभियान। 4 विमानों से दिल्ली लाए गए 146 लोग। विस्तारा की उड़ान से आए 104 लोग, दोहा से दूसरे विमान से आए 30 लोग। आज सुबह भी अफगानिस्तान से 11 लोग विस्तारा की उड़ान से पहुंचे दिल्ली, कुल 146 लोगों का रेस्क्यू। रविवार को भी 400 लोग अफगानिस्तान से लाए गए भारत, 329 भारतीयों समेत हिंदू और अफगानी सिख भी सुरक्षित निकाले गए। अफगानिस्तान में विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर तक पहुंचा तालिबान, अहमद मसूद और समर्थकों को दी हथियार डालने या अंजाम भुगतने की धमकी। विद्रोहियों के नेता अहमद मसूद की तालिबान को खुली चुनौती, कहा जंग नहीं चाहते लेकिन हमला हुआ तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अहमद मसूद के मुताबिक उनकी लड़ाई सिर्फ पंजशीर नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान के लिए, तालिबान को नहीं करने देंगे कब्जा। अहमद मसूद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मांगी मदद, कहा ज्यादती के खिलाफ अफगानों का दें साथ। अफगानिस्तान के अन्य प्रांतों से तालिबान विरोधी भी पहुंचे हैं पंजशीर, विद्रोही नेता मसूद ने दी है शरण। अफगानिस्तान में जल्द ही नई सरकार के गठन की तैयारी, तालिबान के अफगान नेताओं से जारी है बातचीत। लंदन में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन, अफगानिस्तान के लोगों के समर्थन में लहराए पोस्टर बैनर। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग में 7 की मौत, इलाके में अभी भी अफरा तफरी। काबुल एयरपोर्ट के हालात के लिए तालिबान ने अमेरिकी फौज को ठहराया जिम्मेदार, कहा देश में बाकी जगहों पर शांति। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बाइडेन को बताया अफगानिस्तान की हालत का जिम्मेदार, कहा विदेश नीति की सबसे बड़ी शर्मिंदगी। अमेरिका तेज करेगा अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का अभियान, राष्ट्रपति बाइडेन के मुताबिक मददगार रहे अफगानियों को भी अमेरिका में दी जाएगी जगह। अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री गुल आगा सिरजाई ने तालिबान के आगे टेके घुटने, तालिबान में हुए शामिल। अफगानिस्तान संकट पर ब्रिटिश पीएम ने बुलाई G7 की इमरजेंसी बैठक, 24 अगस्त को बनेगी बड़ी रणनीति। अफगानिस्तान के मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से चर्चा करेंगे सहयोगी देश, लोगों को बाहर लाने समेत कई मुद्दों पर हो रहा है टकराव। अफगान के हालात से अब रूस को भी चिंता, राष्ट्रपति पुतिन बोले रूस में नहीं चाहते अफगानी आतंकी। अफगानिस्तान में हिजाब और पगड़ी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, तालिबान की वापसी के बाद तेजी से बढ़ी मांग। अफगानिस्तान से रेस्क्यू के दौरान अफगान महिला ने दिया बच्ची को जन्म, अमेरिकी सेना का दावा C-17 विमान में हुआ जन्म। भारत लौटे लोगों ने बयां किया अफगानिस्तान का हाल, बोले खतरनाक स्थिति, लोगों को पीट रहे हैं तालिबानी। कई लोग अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर फंसे, तालिबान की दहशत के चलते देश छोड़ने के लिए मदद का इंतजार। अफगान वायुसेना की पहली महिला पायलट निलोफर रहमानी को डर, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से सबसे ज्यादा महिलाओं को खतरा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए विमान सेवा अस्थायी रूप से की बंद, लेकिन तालिबान को लगातार दे रहा है समर्थन। दिवंगत बीजेपी नेता कल्याण सिंह का आज बुलंदशहर के नरौरा में होगा अंतिम संस्कार, शनिवार को लखनऊ में हुआ निधन। आज दोपहर अतरौली स्टेडियम से नरौरा के लिए रवाना होगी कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा, नरौरा के गंगा घाट में दी जाएगी मुखाग्नि। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे यूपी के सीएम योगी, रविवार को अतरौली में किए अंतिम दर्शन। अंतिम संस्कार में लगेगा बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि, कहा भगवान राम दें दिवंगत नेता को चरणों में स्थान। रविवार को लखनऊ से अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम लाया गया कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर, रात भर जारी रहे अंतिम दर्शन। मायावती और अखिलेश यादव ने भी दी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि, 24 अगस्त तक बीजेपी के सभी कार्यक्रम रद्द। कल्याण सिंह के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक, आज सारे स्कूल कॉलेज दफ्तर रहेंगे बंद। जातीय जनगणना की मांग के साथ आज पीएम मोदी से मिलेंगे नीतीश कुमार, चिट्ठी लिखकर मांगा था मुलाकात का वक्त। जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश के साथ पीएम से मिलेंगे 10 अन्य दलों के नेता, तेजस्वी भी होंगे साथ।
पंजाब कांग्रेस के चीफ सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह ने फिर खड़ा किया बवाल। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया इंदिरा गांधी का विवादित कार्टून। मलविंदर की पोस्ट पर कैप्टन अमरिंदर ने जताई कड़ी नाराजगी, कहा देश की शांति के लिए खतरा। सिद्धू के सलाहकार पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान, कश्मीर को बताया था अलग मुल्क। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला के घर गुपकार गठबंधन की बैठक, सूबे के भविष्य और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, दोनों गुटों पर बैन लगा सकता है केंद्र। किसान आंदोलन के चलते सड़क पर हो रही मुश्किल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, यूपी और हरियाणा सरकार की याचिका। गन्ने के बकाया भुगतान के लिए जालंधर में किसानों का 3 दिनों से चक्का जाम, रेल यातायात भी रोकी गई। रविवार को किसानों और कैप्टन सरकार की बातचीत रही बेनतीजा, आज दूसरे दौर की बैठक। फतेहाबाद में अंबेडकर प्रतिमा पर जारी तनाव को लेकर अब तक नहीं बनी सहमति, पंचायत में मूर्ति का अपमान करने वालों की गिरफ्तारी की मांग। बर्दवान में टीएमसी के 2 गुटों में सरकारी कैंप को लेकर झड़प, दोनों पक्षों ने की मारपीट और तोड़फोड़। खरगोन में ताजिया जुलूस के दौरान कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, रोकने पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की। बिना इजाजत बदला गया ताजिया जुलूस का रास्ता, हुड़दंग के आरोप में 31 नामजद समेत 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई के लिए दुर्गा फोर्स का गठन, 32 महिला पुलिसकर्मियों को दी जाएगी कमांडो ट्रेनिंग। दिल्ली को आज मिलेगा पहला एंटी स्मॉग टावर, कनॉट प्लेस में सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के समर्थक फहीम नजीर शाह श्रीनगर से पैदल यात्रा पर निकले, दिल्ली में पीएम से मिलने का इरादा। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना, कहा आशीर्वाद नहीं धोखा यात्रा। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कैमूर पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, बोले बीजेपी देश की पार्टी किसी एक जाति की नहीं। अरुणाचल के दिवांग वैली में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोगों से की मुलाकात, जन आशीर्वाद रैली का किया समापन। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे, कहा गरीबों के कल्याण के लिए बड़ी योजना बना रही है सरकार। भागलपुर महिला कॉलेज में खुले बालों पर बैन, छात्राएं बोली तालिबान जैसा कानून। दिल्ली में कोरोना प्रतिबंधों में बढ़ी रियायत, आज से रात 8 बजे के बाद भी खुल सकेंगे बाजार। गोवा में 30 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, कैसीनो क्रूज शिप और पार्लर पर जारी रहेगी पाबंदी। कर्नाटक में आज से खुलेंगे स्कूल, सिर्फ 9वीं से 12वीं के छात्रों को इजाजत। कोरोना प्रतिबंधों के चलते बोधगया में सादगी से मनाया गया बौद्ध उलंबाना समारोह, गरीबों के बीच हुआ मुफ्त राशन वितरण। अमरनाथ गुफा में सादगी से की गई समापन पूजा, कोरोना की वजह से यात्रा की गई थी रद्द। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 24 नए केस, किसी मरीज की मौत नहीं। हरियाणा में 6 सितंबर तक बढ़ाया गया कोविड प्रतिबंध, मनोहर लाल सरकार का फैसला। वडोदरा के अस्पताल में गरबा डांस, एक भी कोरोना मरीज नहीं होने की वजह से मनाई गई खुशियां। कोयम्बटूर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए सामने आए ट्रांसजेंडर लोगों को पौधे बांटकर किया जागरूक। पुडुचेरी के सीएम एन रंगास्वामी ने लगवाया कोरोना टीका, आवास पर ही हुआ वैक्सीनेशन। उज्जैन में फिर सामने आया देश विरोधी गतिविधियों का मामला, सोशल मीडिया पर डाली आपत्तिजनक पोस्ट। उज्जैन की घटना में गिरफ्तार आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई, सोशल मीडिया पर लिखे थे पाकिस्तान समर्थक नारे। उज्जैन में युवकों ने तिरंगा फहराकर लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, चंद रोज पहले इसी जगह पर हुई थी पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी। नांदेड़ के शहीद जवान का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ाई में दी शहादत। आसनसोल में ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसली महिला, आरपीएफ जवानों ने बचाई जान। राजस्थान के बारा में तेज बारिश, कई पुलों पर पानी आने से रुका रास्ता। शिमला में भी बारिश से दिखा कुदरत का अनोखा नजारा, धुंध की आगोश में पूरा शहर। बिहार के सारण में बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान, कई इलाके अभी भी जलमग्न। समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने का आदेश।
हाजीपुर में सैलाब से पलायन को मजबूर लोग, ऊंचे इलाके में ली शरण। छिंदवाड़ा में गुब्बारे में गैस भरने के दौरान बड़ा हादसा, सिलेंडर फटने से दो लोगों की मौत। वाराणसी में भी गुब्बारे में गैस भरने के दौरान सिलेंडर में भीषण धमाका, दो लोगों की मौत, चार लोग बुरी तरह जख्मी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बस और ट्रक की टक्कर, 20 लोग घायल, दो की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के हुगली में खाई में गिरी बस, 35 लोग घायल, 16 की हालत गंभीर। बाड़मेर में लूनी नदी के पानी की जांच के लिए पहुंची केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की टीम, फैक्ट्रियों से नदी में आ रहे केमिकल की वजह से आसपास की जमीनें हो रही हैं बंजर। बॉलीवुड एक्टर मिलिंद सोमन ने मुंबई से गुजरात के नर्मदा तक पूरी की 450 किलोमीटर की दौड़, रविवार को पहुंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मिलिंद सोमन के साथ पत्नी अंकिता कुंवर ने भी पूरी की रन फॉर यूनिटी, मुंबई से 15 अगस्त को की थी शुरुआत। बैतूल में 104 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का निधन, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। रांची में छात्रों ने एक पेड़ को बांधी 16 फीट लंबी राखी, प्रकृति को बचाने का दिया संदेश। रक्षाबंधन के मौके पर मुरादाबाद जेल में दी गई विशेष अनुमति, भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनों को मिली एंट्री। धनबाद में एक कंपनी के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान बमबाजी और फायरिंग, इलाके में मची अफरा तफरी। इंदौर में क्राइम ब्रांच की फर्जी अफसर बनकर वसूली करने वाले युवक युवती गिरफ्तार, बुजुर्गों को बनाते थे निशाना। रामपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से मची अफरा तफरी, जांच में झूठी निकली खबर। पश्चिम बंगाल के नादिया में नशे की हालत में बेटे ने किया पिता का कत्ल, आरोपी फरार। असम के बोंगाई गांव में नशीली गोलियों की खेप बरामद, 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बस्ती जिले में 3 अलग अलग एनकाउंटर, पुलिस ने 6 लुटेरों को पकड़ा। लखनऊ में किराया मांगने पर महिला सहित 3 लोगों के टेम्पो चालक को पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उदयपुर में पति ने पत्नी की गोली मारकर जान ली हत्या के बाद आत्महत्या की कोशिश। राजस्थान के करौली में पुलिस ने सुलझाया ब्लाइंड मर्डर केस, पति की आदतों से परेशान होकर पत्नी ने करवाई हत्या, 4 लोग गिरफ्तार। नीदरलैंड में संगीतकारों का प्रदर्शन, कोरोना प्रतिबंध की वजह से 6 शहरों में उठाई आवाज। वियतनाम के होशीमी शहर के सुपरमार्केट में भारी भीड़, लॉकडाउन लगाए जाने की खबर के बाद खरीदारी के लिए उमड़े लोग। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने लॉकडाउन लगाने के अपने फैसले का किया बचाव, बोले 70% टीकाकरण होने तक रहेगा लॉकडाउन। क्रिस तूफान ने मचाई मेक्सिको में तबाही, 8 लोगों की गई जान। मध्य कैलिफोर्निया के जंगलों तक पहुंची आग, एल डोरादो काउंटी में ही 245 इमारतों को पहुंचा नुकसान।